हाँ जी, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाय बैक ऑफ शेयर्स, ये यूनिट वन का ही एक पार्ट है जिसमें हमने इशू ऑफ शेयर्स किया था, आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर किया, बोनस इशू किया, राइट इशू करा, उसके बाद एक चैप्टर आता है बाय बैक, बहुत छोटा सा चैप्टर है, और एक डिबेंचर है। इन सभी चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन आपका बनेगा। सर बाय बैक होता क्या है तो पहले एक बार वो समझेंगे, फिर इसके हम तीन पार्ट में बेसिकली बटा हुआ है, इसका कंडीशन आपको आना चाहिए जो कि फर्स्ट क्लास में हम कंडीशन को कवर कर लेंगे, थ्योरी वाले पार्ट को, इसमें से थ्योरी भी पूछा जाएगा। सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से बायबैक के लिए पैसा लाओगे वो, उसके बाद क्या एंट्री होगी वो धीरे धीरे हम करेंगे। सबसे पहले बायबैक का मतलब क्या है, बायबैक या फिर हम बोल सकते हैं परचेज इट्स ऑन शेयर। मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है, इसने शेयर 10,000 इशू किए हैं, इसने शेयर 10,000 इशू किए हैं मार्केट में, और जब 10,000 शेयर इसने इशू किए हैं मार्केट में, हुआ ये कि इस शेयर्स को इसने किया था मान लेते हैं 10 रुपये का इशू, लेकिन कुछ रिसेशन की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से इसका शेयर्स का मार्केट प्राइस 1 रुपीस हो गया। कंपनी के फंडामेंटल्स वीक नहीं है, कंपनी आगे ग्रोथ करने वाली है, लेकिन इसका मार्केट प्राइस क्या आ गया 1 रुपये। तो कई बार ना, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ का प्राइस जब कम हो जाता है ना, तो भले ही प्रोडक्ट क्वालिटी कितना भी अच्छा हो, उसे सब खराब ही मानने लगते हैं। जैसे मान लो आईफोन है, अगर आपको 5,000 रुपये में मिलने लग जाए तो आप स्विच कर दोगे, बोलोगे अब आईफोन बेकार हो गया। अगर वही आईफोन सेम आपको 1 लाख का मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन 5 का मिलने लग जाए, जनरल हो जाए एकदम, तो बेकार हो जाएगा। तो सेम कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत साउंडेड है, लेकिन रिसेशन, मान लेते हैं World War III स्टार्ट हो गया, या इंडिया चाइना का वॉर हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, शेयर मार्केट पे सीधा इंपैक्ट आएगा, प्राइस कितना आ गया 1 रुपये। अब कंपनी देख रही है यार इससे तो दिक्कत है, यानी 1 रुपये आने की वजह क्या है, सेलर बढ़ गए, अब बायर कंपनी में नहीं रहा, क्योंकि किसी भी प्राइस का डाउन होने, इकोनॉमिक्स का रूल लगता है, कोई भी प्राइस डाउन होगा, जब सप्लाई ज़्यादा होगा, डिमांड कम होगा, तो प्राइस क्या होगा, ऑटोमेटिकली डाउन होना ही होना है। सेम यहाँ पे हुआ, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, सब सोच रहे हैं मरेंगे बचेंगे, चलो शेयर्स के पैसे बेचो और निकलो यहाँ से, कुछ खा पी लेते हैं, है ना। जैसे यूक्रेन में क्या हुआ, सब घर छोड़ के भागने लग गए, तो वो जो एसेट्स था, अगर वहाँ पे जाएगा कोई इस टाइम पे प्रॉपर्टी, मान लेते हैं अभी वहाँ पे वॉर चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी बोले कि भाई मेरे को बेच दो, हाँ भाई ले ले, कितने का मैंने खरीदा था, 5 का, तू 5,000 रुपये में ही ले ले, दे दे मेरे को निकलना है यहाँ से, बस यही सोचेंगे वहाँ पे। आप बोलोगे भाई फ्री में ही रह ले, यहीं पर रह ले, बस देखता रहिए मैं आऊँगा तो वापस ले लूँगा, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता। सेम शेयर्स में भी ऐसा हो गया, डाउन हो गया, कंपनी को पता है ये सारी बातें सुलझना है, और बेचारे शेयर होल्डर क्या है, नादान है, तो कंपनी ने क्या करा, अपने शेयर को खरीदना चालू कर दिया। पर दिक्कत ये आ गई कि यहाँ पे जो ये इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, वो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे 1,10,000 या 1 लाख रुपए का तो होगा ना, यहाँ पे रुपीस का 1 लाख का तो होगा। जैसे ही ये कंपनी बायबैक करने लगेगी तो ये तो घटता जाएगा, डाउन होता जाएगा, और बैलेंस शीट के अंदर पता है, जब कभी भी मान लेते हैं कि आपका इक्विटी शेयर है, फिक्स एसेट्स है, डिबेंचर है, और क्रेडिटर है, काफ़ी सारे आइटम दे रखे हैं बैलेंस शीट में, तो जब बैलेंस शीट के अंदर ये कम हो जाए, आप खुश हो जाओगे, अरे बैलेंस शीट बहुत बढ़िया है, लाइबिलिटी नहीं है कंपनी में, लगाओ पैसा इसमें। जब क्रेडिटर कम हो जाए, बहुत अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, जैसे रिलायंस का बोला गया था बीच में, डेट फ्री कंपनी, इस पर कोई कर्जा बचा ही नहीं है। एसेट्स कम होने पे थोड़ा आप क्या हो जाओगे, कॉन्शियस हो जाओगे, यार ठीक है एसेट्स कम हो रहे हैं, लेकिन जहां ये कैपिटल कम हो जाएंगे, अगर मान लो ये आपको 0 दिखे, बिना कैपिटल के बिजनेस चल रहा है ये, तो मतलब कैपिटल है ही नहीं और कंपनी चल रहा है इतने बड़ा, कोई जिम्मेदार पर्सन ही नहीं है कंपनी के अंदर, क्योंकि कंपनी के अंदर जिम्मेदार पर्सन कौन होता है, कंपनी के अंदर जिम्मेदार पर्सन होता है ओनली इक्विटी शेयर होल्डर, और ये जिसको अपॉइंट करते, तो अगर ये रिड्यूस होने लग जाए तो आप बोलोगे भाई कंपनी बर्बाद, कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा। तो लॉ क्या कभी चाहेगा कि इस वाले को कम होने दिया जाए, नहीं चाहेगा। फिर सर बायबैक क्यों हो रहा है, बायबैक का मतलब यह कि अपने शेयर को वापस खरीद लो। मान लेते हैं कि मैंने क्या करा, अपने 90,000 रुपए शेयर को वापस खरीद लिया, तो इक्विटी कितने बचे,
दस, मानता हूं नंबर ऑफ पर्सन कम हो गया लेकिन कैपिटल भी तो कम हो गया, क्योंकि जब खरीदेंगे तो इक्विटी शेयर को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल, और कैंसिल करने का मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट है तो डेबिट होके खत्म ही हो जाएगा ना। तो मान लो बायबैक करेंगे तो आप मुझे बताओ क्या ये कम होगा या नहीं होगा, जब बायबैक करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगा या फिर नहीं होगा, होगा। अब जब कम होगा तो कहीं ना कहीं यहां पे एक थ्रेट आ गया, कहीं ना कहीं एक यहां पे डर पैदा हो गया, है ना, समझ पा रहे हो सर। जब यहां पे डर और थ्रेट की आप बात कर रहे हो तो बायबैक होना ही नहीं चाहिए, चैप्टर क्यों है। तो लॉ ने कहा कि भाई बायबैक अगर नहीं करेगा तब भी कंपनी बर्बाद होने के कगार पे जा रही थी, अगर शेयर का प्राइस ही इसका जीरो हो जाए, जीरो तो नहीं होता, एक पैसे दस पैसे हो जाए तब भी कंपनी का रेपुटेशन डाउन। तो कंपनी ने क्या करा कि भाई आप बायबैक करिए, हम मना नहीं करेंगे, वैसे जनरली आपको बायबैक करना अलाउड नहीं है, मैं कंडीशन की बात कर रहा हूँ, लॉ ये कहता है कि जनरली आप बायबैक नहीं कर सकते लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल करेंगे तभी बायबैक करेंगे, जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा फ्री रिजर्व में। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बेच के शेयर खरीद रहे हैं, नहीं, आपके पास एक्सेस मनी है तो बायबैक करेंगे, और जितना बायबैक करेंगे, 90,000 का बायबैक कर रहे हैं ना, तो यहां पे CRR बनाइए 90,000 का, समझे, क्या बनाना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर CRR बनाएंगे अगर हम 90,000 का, तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा यह होगा इस CRR का लॉ ने लॉक कर दिया, ताला लगा दिया, लॉक कर दिया, CRR का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी सर जितना भी हमें बायबैक करना है उतने पैसे का हमें क्या बनाना पड़ेगा, CRR, और CRR क्या हो गया हमारा, लॉक्ड। अब CRR का इस्तेमाल करना है तो बोलता है कि बोनस इशू करिए, सीखा था बोनस इशू में, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू। तो अगर बोनस इशू करेगा CRR तो वापस इसी में आ जाएगा ये, तो यानी इक्विटी शेयर कम हो सकता है क्या, नहीं, इक्विटी शेयर कम होगा तो CRR बढ़ेगा और CRR कम होगा तो इक्विटी बढ़ेगा, तो इन दोनों को आपस में कनेक्टेड कर दिया गया, समझ रहे हो ना। तो लॉ का क्या था, तो बायबैक ऑफ शेयर्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने शेयर्स को खरीद लेते हैं वापसी तो उसे क्या बोला जाता है, बायबैक ऑफ शेयर। जनरली ऐसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन केसेस में हो सकता है जब आपके पास सरप्लस हो, लेकिन कंडीशन सर बायबैक होगा कैसे, किस तरीके से बायबैक होगा, तो बायबैक करना सबसे पहले कंडीशन, बायबैक कौन कर सकता है, बायबैक के लिए किसकी परमिशन लेनी होगी, तो सबसे पहले बायबैक के लिए पॉइंट नंबर वन, बायबैक जो होगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में, GM लिख रहा हूँ, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, इसका मतलब शेयर होल्डर से, पुराने शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा कि हम बायबैक करने जा रहे हैं, और वो शेयर होल्डर परमिशन देंगे, जो शेयर होल्डर है वो परमिशन देंगे। लेकिन अब ऐसा थोड़ी होगा शेयर होल्डर बोलेगा सब बायबैक कर लो, जीरो कर दो इक्विटी को, नहीं हो सकता, क्योंकि बोलेगा मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सारा इक्विटी खत्म कर रहा हूं बैलेंस शीट से, तो वो भी गलत है। ऐसा कि नहीं कि सारा कैपिटल रिजर्व में भेज दो, तो लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा है कि आप शेयर होल्डर कुछ भी कर लें, बायबैक करने का परमिशन तो दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ 25% ही बायबैक किया जा सकता है, वो भी पेड अप कैपिटल का, पेड अप कैपिटल का। सर पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है, यहां पेड अप कैपिटल का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये पेड अप कैपिटल, सिंपल सिंपल से, बहुत डिटेल में तो जाएंगे नहीं, इसके अंदर भी बड़े सारे पॉइंट्स होते हैं, ये पेड अप का पार्ट है ये नहीं है, तो सिंपल सी बात, इन सभी को ऐड करिए, इसका 25% जो भी निकल के आएगा उतना ही बायबैक कर सकते हैं। एग्जामिनर बोलता है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक करके दिखाइए, तो आप कितने परसेंट बायबैक करेंगे, 25%। यानी ये कंडीशन सारी आपको जाननी जरूरी है। शेयर होल्डर ने मना कर दिया मीटिंग में आके, भाई नहीं बायबैक, बायबैक नहीं चलेगा यहाँ पे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि बायबैक हो, कंपनी के लिए सही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि बायबैक हो, कंपनी के लिए सही है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके पास भी पावर है कि वो क्या कर सकता है, बायबैक कर सकता है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को थोड़ा कम पावर दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही बायबैक कर सकता है, 10%। मान लो शेयर होल्डर डिनाई कर देता है, क्वेश्चन में सिचुएशन बना के देगा एग्जामिनर, कंपनी वांट टू बायबैक एंड शेयर होल्डर डिनाइड
फॉर अप्रूवल और शेयर होल्डर ने अप्रूवल नहीं दिया तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बायबैक कर सकता है? अगर कर सकता है तो मैक्सिमम कितने कर सकता है बायबैक? तो 10% है ये। अगर 1,00,000 का शेयर है तो 1,00,000 का 10% यानी 10,000 रुपए का। समझ में आए बायबैक का मतलब? और ये भी किसका है? हमारा पेड अप। कंडीशन नंबर 3, पहला बोला बायबैक करने के लिए आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होगा, शेयर होल्डर डिनाई कर जाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद जैसे ही बायबैक आपका अप्रूवल मिलता है, आपके बिजनेस का बायबैक करने के बाद रेशो, डेट इक्विटी रेशो थ्योरी में पूछा जाएगा कि बताओ बायबैक करने के बाद कितना डेट इक्विटी रेशो होना चाहिए, तो 2:1 आइडियल रेशो होना चाहिए। यानी आपका जो डेट होना चाहिए वो होना चाहिए, ये 2 क्या है डेट और ये क्या है इक्विटी, यानी आपका डिबेंचर 2 रुपए और इक्विटी 1 रुपए होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया ना कि डिबेंचर 2 रुपए और इक्विटी 50 पैसे, आपका बायबैक करना कैंसिल कर देगी गवर्नमेंट, तुरंत स्टे लगा देगी, बायबैक नहीं कर सकते आप। बायबैक करने के बाद आप बायबैक कर रहे हो 1 ईयर तक कोई शेयर इशू नहीं कर सकते। अगर आप बायबैक कर रहे हो फिर बोल रहे हो सर शेयर इशू कर ले, क्यों करा था भाई बायबैक? बायबैक क्यों करा था? अगर तुम्हें शेयर इशू करने हैं तो फ्रेश इशू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आप बोनस इशू तो कर सकते हो। बोनस इशू में तो पैसे नहीं आते ना, तो 1 ईयर तक आप फ्रेश इशू नहीं कर सकते। बायबैक होने के बाद 6 महीने, बायबैक जिस दिन हमारा शेयर होल्डर अप्रूव कर दे, 6 महीने के अंदर अंदर आपको बायबैक का प्रोसेस को कंप्लीट करना मैंडेटरी है। अगर 6 महीने बीत गए सारा प्रोसेस दोबारा चालू होगा। यानी आपने अप्रूवल ले लिया, शेयर होल्डर ने बोला हाँ, आप 1 साल बाद आए और बोल रहे हो अब चलो शेयर होल्डर बायबैक करते हैं, क्या होगा? लॉ कहेगा सॉरी, 6 महीने की वैलिडिटी दिया था, 6 महीने में बायबैक करना था, आप करने में असमर्थ रहे, दोबारा से मीटिंग बुलाइए, दोबारा से सब कुछ करिए और फिर होगा, समझे? और इसके जैसे ही बायबैक खत्म होता है, उसके 1 हफ्ते के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है उस सभी को डिस्ट्रॉयड करना होता है हमें, पुराने वाले शेयर्स के जो भी बायबैक हो गए। तो ये कुछ कंडीशंस है। आपको सर कंडीशन क्या याद रखना है जो एग्जाम के अंदर पॉइंट करेगा? एक तो 2:1 का रेशो बनाना आपको परेशान करेगा, क्योंकि आपको बोलेगा मैक्सिमम बायबैक करो, तो बायबैक आप कर तो लोगे, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना है उतना ही बायबैक होगा जितने के 2:1। मान लेते हैं कि बायबैक 25% बन रहा है आपका 25,000 और रेशो बन रहा है हमारा 2:1 बन ही नहीं रहा, 2:0.5 बन रहा है, तो हम बायबैक 25% नहीं कर सकते जितना हमें 2 पॉइंट ये रेशो बन पाए, तब हमें रेशो का सहारा लेना पड़ेगा, समझे बात आप? तो यहां पे कुछ बायबैक के ये रूल्स और ये कंडीशन है। कोई दिक्कत यहां तक? तो हमने अभी देखा कि बायबैक कैसे करना है, इसके ऊपर थ्योरी भी पूछा जा सकता है। मैं कुछ कंडीशन जो है आप अपने बुक में, और जो मैं PDF अपलोड करूंगा, बुक का ही PDF है वैसे, अभी तो नोट्स नहीं है, नोट्स धीरे धीरे अभी टाइपिंग करके फिर डालेंगे। यहां पे आप देखोगे तो आपके बाय बैक के कंडीशन मिल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब बाय बैक करने के लिए AOA परमिशन देना चाहिए। इसके बाद स्पेशल रेजुलेशन पास होना चाहिए, 10% कर सकते हैं। जो बातें मैंने बताई है वो सब कुछ लिखा हुआ है एज इट इज, आप जाके वहां पे पढ़ सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन फॉर बाय बैक ऑफ शेयर पेज नंबर 5.5 पे, ठीक है ना? वही सारी बातें बताई, कोई दिक्कत? तो आज हमने सिंपल सा थोड़ा छोटा टॉपिक किया, शॉर्ट, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, तो मैं धीरे धीरे ये कर रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, बायबैक ऑफ शेयर्स वाला पॉइंट, कंडीशन बताया। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, सोर्स और जर्नल एंट्री, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सोर्स और जर्नल एंट्री देखेंगे।